अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे खसखस अंडे। खसखस अंडे बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैन, जिसमें हमने 100 ग्राम ऑयल ऐड कर दिया है, और हमने लिए हैं 500 ग्राम प्याज, जिसे हमने इस तरह से चॉप्ड कर लिया है। इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जितनी देर प्याज फ्राई हो रहे हैं मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के लिए हमने लिया है आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसमें हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अब हम इसमें आधा कप पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज भी हमारे अच्छे से फ्राई होते हुए आ रहे हैं। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमने जो मसाला बनाया था, और इसे हम अच्छे से चला लेंगे हाई फ्लेम पर ही। इसे हमें अच्छे से कस लेना है। मसाला अच्छे से भुन चुका है हमारा। अब हम इसमें 1 टमाटर और 2 हरी मिर्ची को बारीक काट कर ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम पकने देंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अब हम 4 अंडों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एकदम। मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडे जो हमने फेंट लिए थे, और इसे हमें लो फ्लेम पर ही जल्दी जल्दी चलाना है। इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है, हमें इसकी गुठली नहीं बनने देनी है। इसे हमें अच्छे से पूरा मिक्स कर देना है। अंडा मिक्स हो चुका है, अंडे को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अंडा अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे खसखस। खसखस को हमने अच्छे से पीस लिया था, सिलोटे पर पीसा हमने इसको। मिक्सर में पीस नहीं पाती है इसलिए। और अब हम इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे जल्दी जल्दी चलाकर। और अब हम इसको भी 5 मिनट हाई फ्लेम पर ऐसे ही पकने देंगे। खसखस में से सारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। हम इसमें कोरिएंडर ऐड कर देंगे 1 मुट्ठी, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। खसखस अंडे बनकर एकदम रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।